हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो ये है BPSC 67 का आंसर की है, ठीक है। इसके पहले मैं एक अलग से वीडियो बना दिया हूँ साइंस के लिए स्पेशल। मैं एक वीडियो अलग अलग से कर दिया हूँ साइंस का, जो इसके पहले अपलोड हो चुका है मेरे चैनल पे। वहाँ जाकर के आप साइंस का मिला सकते हैं, ठीक है। ये है सेट डी है, ये सेट डी है। ऑप्शन जो होगा सारे का सफल किया हुआ है, सारे सीरीज में ABCD में सारे में सफल किया हुआ होगा। तो ऑप्शन जो होगा अकॉर्डिंगली आप देख करके, ऐसा नहीं कि अगर हम बता दिए तो आप ए टिक कर लेंगे किस सीरीज में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन कर पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद उसको मैच करेंगे अपने सीरीज में, ठीक है। जिनका भी होगा ABCD, अगर डी है तो सही है, नहीं तो ABCD जिनका भी होगा वो उसके अकॉर्डिंग वो मैच करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से, ठीक है। हु इस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ रोमान एम्पायर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कुशान हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। द मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वाज रिगार्डेड एज द पार्ट ऑफ दार उल इस्लाम वाज, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ऐसा कुछ लग नहीं रहा, तो ये इसका जो आंसर है वो ई हो जाएगा, ठीक है। थर्ड का जो है, हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द पावर ऑफ द खलीफा, ठीक है। अपोज किया कौन पावर ऑफ खलीफा को, किसने अपोज किया था, तो इसमें से किसी ने नहीं किया था, वो उसका भी आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। ये है तुगरिल खान रेज्ड ए स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग हुज रेन, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बलबन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर हु फाउट अगेंस्ट ब्रिटिश, एंड इट्स आंसर विल बी ए औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाई विलियम बेंटिक, ठीक है। किसमें हो जाएगा एवोल्यूशन ऑफ क्षति, एंड एक था वुमेन इन्फेंटिसाइड, एंड नेक्स्ट था एक सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज बैंड्स ऑफ ठग, ठीक है। तो एक था ये, अब इसके बारे में मुझे क्लियर नहीं है, ये मेरे को उतना लग नहीं रहा था आंसर कि रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन। अगर ये होगा तो ऑप्शन ए होगा, अदरवाइज इसका जो ऑप्शन होगा वन एंड नन ऑफ द एबव एंड मोर देन द ये हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। ऐसा आप इसको एक बार देख लीजिए, मेरे से ये कन्फ्यूजन इस लाइन में है, ठीक है। रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन 134 में अगर होगा तो 134, अदरवाइज फिर इसका जो आंसर होगा वो ई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे रखता हूँ ए या फिर ई पे, ठीक है। इसका भी कलर मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा इसके बारे में। दो में के बारे में तो ये कंफर्म है, ये तो है था इनका, एक था वुमेन इन्फेंटिसाइड को था, इसके बारे में क्लियर नहीं हूँ। तो नेक्स्ट है इसका सेवन्थ का जो, सिंधवाज कंक्लूडेड एनेक्स्ट वाई, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा इसका जो सिक्स का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सेवन्थ का, सॉरी सेवन्थ का जो आंसर हो जाएगा इसका लॉरेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट है, इन विच ईयर फर्स्ट सेंसर वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो ये हो जाएगा 1872 हो जाएगा, ठीक है। नाइन्थ है, ऑन विच डेट सुखदेव भगत सिंह एंड राजगुरु वर हैंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23rd ऑफ मार्च 1931, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन है, तो हु वाज द थर्ड सत्याग्रही, ठीक है। थर्ड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी 1940, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ब्रह्मदत्त हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। इलेवन है, हु लॉन्च सेक्रेट रेडियो, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्रेट रेडियो ड्यूरिंग क्यूट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा उषा मेहता, ठीक है, इलेवन का डी हो जाएगा। ट्वेल्व में है, हु वाज द फिजिशियन ऑफ द मगध रूलर बिम्बिसारा, ठीक है। हु वाज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिम्बिसारा, तो ट्वेल्थ का आंसर जो जीवक का हो जाएगा, जीवक, ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार, ठीक है। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी हो जाएगा, डी। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार, तो ये हो जाएंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, 14 का डी। हु वर द लीडर ऑफ संथाल रिवोल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार BPSC पूछ चुका, हर बार ऑलमोस्ट आ ही जाता है, तो ये इसका जो आंसर है सिद्धू एंड कान्हू है, 15 का, ठीक है। इन विच ईयर चौरी रिवोल्ट ऑफ बिहार टू प्लेस, ठीक है। ये चौरी नहीं, आई थिंक ये चुआर रिवोल्ट था एक, तो वो हो सकता है, बट इसके बारे में मुझे क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर देना सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये चुआर रिवोल्ट कुछ था, तो जो कि मिदनापुर इलाके में कुछ हुआ था बंगाल का, तो वहाँ पे इसका था चुआ रिवोल्ट का। बिहार के बारे में कुछ हिसाब स्पेसिफिक कुछ मिल नहीं रहा था, किस किस रीजन में किस ईयर में हुआ था यहाँ पे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 का, एक मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। 17th का है, इन विच ईयर वाज उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, तो जगह 1936। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं अगर, तो वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये हो जाएगा राजगिरी हो जाएगा, कोई 18 का ये हो जाएगा। विच गुप्ता रूलर एज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्ता 2 हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धना वर्धाना डायनेस्टी। ठीक है, वर्धाना डायनेस्टी के बारे में, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धाना डायनेस्टी, तो ये हो जाएगा इसमें प्रभाकर वर्धाना हो जाएगा। ठीक है, को 20 का सी हो जाएगा। 21 है सरगासो सी इज ए पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना कॉल्ड। ठीक है, तो 22 का जो हो जाएगा मैकमोहन लाइन हो जाएगा, ऑप्शन डी। राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल बिकॉज। ठीक है, क्वेश्चन 23rd का रहा है, राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल बिकॉज, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू काउ द नेसेसरी एपलुक टू कूल द एयर। ठीक है, अगर वहाँ पे क्या है ना कि कुछ बैरियर है नहीं जिसके कारण जो वार्मर एयर होता है वो कूल होने में उसको टाइम ज़्यादा लगता है या नहीं हो पाता कूल। ठीक है, ठीक है, तो इसके कारण ये हो जाएगा सी हो जाएगा। बाकी किसी भी एनसीईआरटी का शायद ये डायरेक्ट लैंग्वेज था, ये दिया हुआ था स्टेटमेंट ही, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी है। अगर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 देखें तो इन इंडिया प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973, द थीम फॉर नेशनल बायोडाइवर्सिटी इन 22 इज बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर ऑफ ऑल लाइफ। प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 24 का जो आंसर है ये हो जाएगा 1, 2 एंड 3 हो जाएगा, ऑल सही इसमें। ठीक है, 1, 2 एंड 3। अब इसमें जो आंसर होगा इसका, हाँ ठीक है, 1, 2, 3 हो जाएगा, सी ऑप्शन। 25th दिन देखते हैं, फॉर विच कल्टिवेशन क्रेवास आर फेमस। ठीक है, तो क्रेवास आर फेमस फॉर द सैफ्रॉन, 25th का ए हो जाएगा सैफ्रॉन। 26 में विच स्टेट इन इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम। ठीक है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम के बारे में पूछ रहा है, इसका है केरला है। 27 नंबर क्वेश्चन में है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द न्यूज प्रिंट पेपर इंडस्ट्रीज लोकेटेड। ठीक है, न्यूज प्रिंट पेपर इंडस्ट्रीज लोकेटेड, ये है नेपा नगर जो कि एमपी में है। ठीक है, एमपी में है ये नेपा नगर, तो वहाँ का है ये। 28 नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया इज माइंड। ठीक है, फर्स्ट कोल माइन के बारे में पूछा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रानीगंज हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच शेड्यूल ट्राइब्स इन इज लार्जेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो विच लार्जेस्ट क्या है, व्हील है ये। 13th में आता है, जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट इज, तो जियोग्राफिकल एरिया पूछ रहा बिहार का, ये हो जाएगा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसका विच रिवर इज नोन एज सौरव बिहार, हो जाएगा कोसी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेलहर कुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड, ये कैमूर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 33 में क्या, विच इज द एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सपाउ लेक इन बिहार। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कावर लेक के बारे में, हर बार घुमा घुमा मतलब कि कभी स्टेटमेंट चेंज करे या कुछ करके ये पूछा जाता है कावर लेक के बारे में। तो ये क्या है कि एशिया लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सपाउ लेक इन बिहार का, ठीक है, कावर लेक। फिर एक क्वेश्चन नंबर 34, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, ये अभी भी हाल में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, ये था जमुई का था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 35th में है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज सिल्क सिटी। ठीक है, तो सिल्क सिटी किसे बोला जाता है, भागलपुर को बोला जाता है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार एज पर सेंसस 2011 ऑफ इंडिया। ठीक है, फीमेल लिटरेसी रेट ये हो जाएगा आपका 51.5 है। ठीक है, सी हो जाएगा इसका ऑप्शन 5, 51.5। 37 में आते हैं इसका, विच इज द चीफ हेवनली बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम, ये हो जाएगा सन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 38 में, विच एलिमेंट आर अबंडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर लेयर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये इंटीरियर लेयर ऑफ अर्थ के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका निकेल एंड फेरम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अगर अपर लेयर पे हाँ ठीक है, इंटीरियर लेयर ऑफ अर्थ है। उसके बाद क्या है, 39th में है, हु अमंग द फॉलोइंग पोस्टुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन। ठीक है, तो जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में जो दिए थे ये थे डब्ल्यू एम डेविस थे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। 14th में, सॉरी 40th है जो 40 नंबर, ये इन विच हेमीस्फेयर रोअरिंग फोर्टीज फ्यूरियस 50s एंड स्ट्राइकिंग 60s आर ब्लोइंग सदर्न हेमीस्फेयर। ठीक है, ये हो जाएगा सदर्न हेमीस्फेयर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, जनरली हाउ मेनी सेशन आर देयर इन लोकसभा, ये हो जाएगा थ्री, थ्री सेशन होता है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो ये जो थे 40 MC शीतलावाद। ठीक है, ये था शीतलावाद। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 43rd पे, उसके बाद क्या है कि इफ वन नेशन वन इलेक्शन इज टू बी आइडियलाइज इन इंडिया विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल रिक्वायर एन अमेंडमेंट, ये हो जाएगा आर्टिकल 246 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 246, विच स्टेट डज नॉट हैव पंचायत सिस्टम, तो
डज नॉट हैव पंचायत सिस्टम, कहाँ कहाँ नहीं, मिजोरम में नहीं है, मेघालय में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ई हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, द डिवीजन ऑफ विच स्टेट इंटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर लोकसभा इज डन बाय द डेलिमिटेशन कमीशन, दिस डेलिमिटेशन कमीशन हैज बीन फ्रीज टिल विच ईयर, ये हो जाएगा 2026 हो जाएगा। ठीक है, 2026 तक ये फ्रीज कर दिया गया है इसे। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट इज है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में है सुप्रीम कोर्ट, इसका जो आंसर होगा प्रोटेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल कोर्ट इसमें नहीं होगा, ये फेडरल कोर्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, 47 है, टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट एवरी 5 ईयर्स अगेंस्ट फाइनेंशियल कमीशन, ये किया जाता है स्टेट का, ये स्टेट स्टेट फाइनेंस कमीशन किया जाता है उसके लिए रिव्यू करने के लिए इसका फाइनेंशियल पोजिशन तो पंचायत का। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 48 है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट का कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसका भी आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, 48 का। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द 16th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन फॉर द 2022 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर, ये हो जाएगा आपका टोटल 543, ठीक है, और प्लस का आपका हो जाएगा 233 और प्लस का 12 नॉमिनेटेड। ठीक है, टोटल का ऐड कीजिएगा तो 8 8, और ये हो जाएगा 788 हो जाएगा टोटल, ये इतने ही लोग रहते हैं। ठीक है, 788 हो जाएगा। नेक्स्ट 15 में, द इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम्स, ये हो जाएगा मल्टीपल टाइम्स होता है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 51 है भंडारी कमेटी, ठीक है, भंडारी कमेटी इज रिलेटेड टू, ठीक है, भंडारी कमेटी रिलेटेड टू रीजनल रूरल बैंक RRB रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक रीस्ट्रक्चरिंग के लिए भंडारी कमेटी। ठीक है, 52 में आते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, तो NPS रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट रेगुलर इनकम टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नहीं, यहाँ पे कि टू ऑल द सब्सक्राइबर, जो भी जो रहते हैं गवर्नमेंट में जो जॉब के उनके लिए ही रहता है ये, कि टू ऑल इट्स सब्सक्राइबर होगा वो, सिर्फ IRDA नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, तो ये क्या है, नेशनल NPS रेगुलेटर बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑथोरिटी PFRDA करता। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 53 देखते हैं, तो 53 में जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रायोरिटीज ऑफ इंडिया बजट 2023, ठीक है, तो इसमें क्या था, डिस इन्वेस्टमेंट एक नहीं है, ठीक है, बाकी सारा PM गति शक्ति ये सब सारा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिव एनहांसमेंट, सब सब है, तो ये हो जाएगा इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका नॉट इंक्लूडेड पूछ रहा था। व्हाट वाज द टैक्स GDP रेशियो इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 इन इंडिया, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 54 का ए हो जाएगा, 11.7% हो जाएगा। 55 में अगर देखें तो व्हाट वाज द इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट बाई कमोडिटी के बारे में, कमोडिटी डिवीजन एंड ग्रुप्स इन 2018, ठीक है, ये पूछ रहा था कमोडिटी डिवीजन एंड ग्रुप का, तो इसका हो जाएगा 1.7% हो जाएगा, 55 का डी हो जाएगा। व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया एज पर द फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स इन द ईयर 2020 एंड 2021, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द इंडिया एज पर द फोर्थ एडवांस, तो इसका जो हो जाएगा आंसर फोर्थ एडवांस एस्टिमेट इन द ईयर, तो ये जो हो जाएगा 109 109.5 मिलियन टन हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा इसका। 57 है, जो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम था, तो ये इंडिया चाइना बॉर्डर के पास जो भी एरिया था वहाँ पे ये किया गया था उनको, उसको डेवलपमेंट के लिए, तो इट इज़ फॉर द महाराष्ट्र स्टेट ऑफ इंडिया, नहीं ये गलत हो जाएगा, इट वाज स्टार्टेड इन 2017, नहीं ये भी गलत है, इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेज ऑफ द नर्दर्न बॉर्डर, ये सही है, इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड कनेक्टिविटी इन बिहार, ये भी गलत है, तो इसका जो आंसर सिर्फ सी हो जाएगा, इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर विलेज ऑन द नर्दर्न बॉर्डर, ठीक है, इसी यही हो जाएगा सिर्फ करेक्ट आंसर इसका। 58 है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2022, ठीक है, तो इसमें जो सेकेंडरी सेक्टर का 4.8 था, ठीक है, बिहार का टर्सरी सेक्टर का 8.5 था, एंड इसका जो फिर है क्या है, एक प्राइमरी सेक्टर है बिहार ग्रोन 2.3% था, 2.8 पे नहीं था, ठीक है, तो इसका जो ये गलत है तो ये इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आते हैं 59th पे आते हैं, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एज पर द असेंडिंग लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, तो सबसे ज़्यादा जो है इसका असेंडिंग लेवल में अगर करें तो सबसे ज़्यादा पटना में है, उसके बाद जो है मुंगेर है, उसके बाद नालंदा फिर है, ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 59 का, ठीक है, नालंदा मुंगेर एंड पटना हो जाएगा, एसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा था, ठीक है, एसेंडिंग लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है। फिस्कल डिफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू बी
व्हाट परसेंट ऑफ GSDP ऑफ बिहार फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23। ठीक है, तो फिजिकल डिफिसिट था ये, इसका जो था 3.47% था, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 क्या है, चूज द ऑप्शन विच इज नॉट पार्ट ऑफ द सात निश्चय पार्ट टू स्कीम ऑफ बिहार। ठीक है, सात निश्चय में कौन कौन सा था, तो इसमें था स्ट्रांग वुमेन, ठीक है, सशक्त महिला एंड कैप जो था, ठीक है, और ये था इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड, युवा शक्ति इन प्रोग्रेस ऑफ बिहार था, एयरवेज टू एवरी वन ये नहीं था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बिहार स्टेट डिस्ट्रिक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पर कैपिटा इनकम। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा पर कैपिटा इनकम में, तो ये हो जाएगा आपका जो सबसे ज़्यादा इधर से अगर देखें सिर्फ अगर लोअर पॉइंट लोअर जो था, ठीक है, अगर नीचे से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नवादा का था, उसके बाद आपका किशनगंज होगा, उसके बाद आपका किशनगंज का है, उसके बाद फिर यह ईस्ट चंपारण आएगा, उसके बाद अररिया आएगा, उसके बाद शिवहर आएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे 63rd में, तो विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पॉवर्टी एस्टिमेट बेस्ड ऑन द 68th राउंड ऑफ NSSO। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा विच ऑफ द नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू पूछ रहा है यहाँ पे, तो 63rd का जो है द 33.35% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज लिविंग बिलो द पॉवर्टी, ये हो जाएगा इसका नॉट ट्रू है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारा स्टेटमेंट इसमें सही है। उसके बाद क्या है 64th में, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टली डिफाइंस द माइक्रो इंटरप्राइजेज इन इंडिया। ठीक है, 64th में है, इसका जो आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टली डिफाइंस द माइक्रो इंटरप्राइजेज। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, नन ऑफ मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, 64th का। 65th का देखते हैं, तो 65th में है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, तो 65th का जो भी जो हो जाएगा ये ई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हु सक्सेसफुली लेड द बरदोली सत्याग्रह। ठीक है, बरदोली सत्याग्रह वो लेड सक्सेसफुली, तो इसमें जाएगा बल्ला सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर देखें हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया 1996। ठीक है, तो इसमें लॉर्ड लॉर्ड पार्थिव क्लेवरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे, रैमसे मैकडोनल्ड नहीं थे। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये तो ये सब तो सारा सही ही था। ठीक है, तो विच ऑफ नोट पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका रैमसे मैकडोनल्ड, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इन विच ईयर द फेमस गांधी इरविन पैक्ट टू प्लेस, ये हो जाएगा 1931 हो जाएगा। ठीक है, 1931 AD हो जाएगा इसका। उसके बाद क्या है, इन विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन। ठीक है, इन विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन, तो 69 का जो हो जाएगा 1929 AD लाहौर सेशन में हुआ था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 17 देख, सुभाष चंद्र बोस नेम्ड निकोबार आइलैंड एज, ये हो गया अभी इसका अभी रीनेम हुआ है स्वराज आइलैंड करके। ठीक है, स्वराज स्वराज आइलैंड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 70 का। 71 इन विच स्टेट चौरी चौरा वेयर इन फेब्रवरी 1922 AD अ पुलिस स्टेशन वाज सेट ऑन फायर, तो ये था यूपी में। ठीक है, यूपी में था ये गोरखपुर। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 72 है, इन विच प्लेस खुदीराम बोस ट्राई टू किल द किंग्स फोर्ट। ठीक है, ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी। ड्यूरिंग विच मूवमेंट आजाद दस्तावाज एक्टिव इन बिहार, ये हो जाएगा क्यूट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, आजाद दस्तावाज एक्टिव था बिहार में कब, क्यूट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। ठीक है, 74 नंबर देखते हैं, हु वाज अलॉटेड द पोर्टफोलियो ऑफ लेबर डिपार्टमेंट इन द इंटरिम गवर्नमेंट्स कैबिनेट ऑफ 1946। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 74 पर डी हो जाएगा, जगजीवन राम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 75 में, इन 1942 ऑन द ओकेजन ऑफ विच फेस्टिवल जयप्रकाश नारायण एस्केप फ्रॉम द हजारीबाग जेल। ठीक है, ये जो था इसका आंसर, इसका आंसर थोड़ा सा दीपावली के टाइम था शायद ये, इसका देख ले दीपावली या दशहरा कुछ था कुछ, तो ये दीपावली के टाइम है मेरे अकॉर्डिंग होगा होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, दीपावली क्योंकि ये नवंबर के टाइम पे शायद यहाँ से स्केप किए थे, तो दीपावली होगा उसका। उसके बाद क्या होगा, अगर देख लीजिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए, मुझे डाउट है दशहरा या दीपावली पे, इसको देख लीजिएगा थोड़ा। 76 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये था दिसंबर 1946, हाँ दिसंबर 1946 AD में था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, उसके बाद क्या है 77 में आते हैं, 77 हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। ठीक है, फ्रंटियर गांधी के किन को लिया था, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वेयर वाज द झांसी की रानी लक्ष्मीबाई डाइड, तो ये हो जाएगा ग्वालियर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है 79 में, हु वाज सेड अबाउट बंगाल पार्टीशन, द पार्टीशन अनाउंसमेंट फेल लाइक ए बॉम्ब शेल। ठीक है, तो 79 का जो हो जाए इसका आंसर, इसमें कोई नहीं थे, अच्छा तिलक बोले थे ये, ठीक है, हु फेल लाइक बॉम्ब शेल, तो इसका नन ऑफ द एबव हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, सरदार उधम सिंह किल्ड हुम, ठीक है, तो ये था माइकल ओडायर। ठीक है, माइकल ओडायर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं मैथ, 81 है मैथ सेक्शन है, ठीक है, मैथ सेक्शन में जो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए जो 81 है, क्लॉक इज सेट राइट एट 6 AM, इट गेंस 10:24 आवर, तो इसका जो आंसर यहाँ पे है एट, यहाँ पे ये जो QR कोड है इसके कारण दिखने, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 10:05 है। ठीक है, तो इसका जो आंसर ए ही हो जाएगा, 48:10। 82 में आते हैं, एट वाट टाइम बिटवीन 5 एंड 6 बिल द टू हैंड्स ऑफ वॉच कॉन्साइड, इसका जो हो जाएगा 27, ये भी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, 83 में देखते हैं, अनिल एंड सुमन टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, विच अनिल अलोन कैन डू इन 20 डेज, इफ सुमन अलोन हैज टू डू दिस हिज वर्क ही विल टेक। ठीक है, तो 83 का जो आंसर आ रहा है ये आ रहा 30 डेज आ रहा। उसके बाद देखते हैं 84 में, इन क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 26 लाइक टू प्ले बैडमिंटन, ऑल्सो इच स्टूडेंट लाइक टू प्ले, तो एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड बैडमिंटन। तो इसका जो आंसर आ रहा है 84 का, ये आ रहा 5 आ रहा। ठीक है, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 85th में है, व्हाट आर द टू नेचुरल नंबर हुज प्रोडक्ट इज 2400 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 5200। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा कैलकुलेट करने के बाद ये 60:40 आ रहा। ठीक है, किसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका ये 2400 एंड स्क्वायर करेंगे तो इसका हो जाएगा 36 36, और प्लस का इतना करके हो जाएगा आपका, ठीक है, और 1600 हो जाएगा 5200, ये हो जाएगा सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसका है फिर 86 नंबर में है, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 100 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो 86 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 7 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, इतना नंबर जो है डिविजिबल है 4, 5, 6 से, तो हो जाएगा बी इसका 7। नेक्स्ट है 87 में, इन ए मिक्सर ऑफ 70 kg द रेशियो ऑफ सैंड एंड सीमेंट इज 4:1, हाउ मच सैंड शुड बी एडेड टू मिक्सर सो दैट द रेशियो ऑफ सैंड एंड सीमेंट बिकम्स इतना 6:1। तो 87 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 28 kg हो जाएगा। ठीक है, 28 kg हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 88 में आते हैं, तो शशि लॉसेस 25% बाय सेलिंग ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 150 पर डजन, एट वाट रेट वुड शी सेल देम टू गेट प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, तो 88 का जो आंसर आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद 240 पर डजन आ रहा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 89 में है, 89 में है, द लेंथ ऑफ द डायगनल ऑफ ए रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज। ठीक है, तो 89 का जो आ रहा ये आ रहा है आपका 52 सेंटीमीटर आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 90 में है, ठीक है, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 140 मीटर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एंड डॉग इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन पैरेलल टू द ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, द ट्रेन विल क्रॉस द डॉग इन। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा आपका 90 का 12 सेकेंड आ रहा। ठीक है, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये मैथ का सेक्शन खत्म हो चुका, टोटल 10 क्वेश्चन था। 91 पे आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ लेंस साइंस का है, तो साइंस में ये कर चुका हूँ, मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, साइंस का मैं अलग से किया हूँ, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं करता हूँ 120 साइंस की, 91 से लेकर के 120 तक है साइंस का, यहाँ तक है। ठीक है, 20 तक मैं कर चुका हूँ पहले वीडियो में, मैं आता हूँ यहाँ सीधे आप 121 पे। ठीक है, तो 121 का जो है उसके बाद, हाँ, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू क्रॉस द 3000 रन इन द T20 इंटरनेशनल, यह भी हाल ही फिलहाल में विराट कोहली ने क्रैक किया था, तो विराट कोहली हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपेन लॉन्च टू इंश्योर कंप्लीट कंप्लीट COVID-19 वैक्सीनेशन इन जून 2020, यह हो जाएगा हर घर दस्तक कंपेन हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 13 जून, ये भी काफ़ी न्यूज में था, एकनाथ शिंदे जी ने किया बने हैं। ठीक है, उसके बाद था 124 में, हुआ जैसे स्टार्ट अप हर घर तिरंगा अभियान ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिया 75th इंडिपेंडेंस, तो ये हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। ठीक है, इन्हें प्राइम पीएम मोदी जी ने किया था, इसका शायद नीति आयोग, इंडियन आर्मी इलेक्शन कमीशन ने, ये दो तो नहीं, तो नहीं होगा इंडियन आर्मी, नहीं होगा नीति आयोग या सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका 2024 का। नेक्स्ट है इसका, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सेंटर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी,
ठीक है, तो किस कौन सा स्टेट जो कंट्री टू इनिशिएट किया प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सेंट्रल न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, किसने किया था, ये हो जाएगा ऑप्शन इसका उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है, 125th का उत्तराखंड, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे आते हैं वेस्ट बंगाल के, ये नहीं है, वेस्ट बंगाल के बारे में काफ़ी चर्चे में रहते हैं तो ये है नहीं। गुजरात के फागु चौहान, ये बिहार के हैं फागु चौहान। उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल हैं, ये सही है। राजस्थान का कलराज मिश्रा, ये भी सही है, तो 1 एंड 2 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन है रिलीज यूथ इन इंडिया रिपोर्ट, ठीक है, ये का होता आता है रिपोर्ट कौन तैयार करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इनके द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इलावेनी वेलेरिवन, श्रेया अग्रवाल एंड रमिता शिन इन द न्यूज आर एसोसिएटेड विच स्पोर्ट, ये हो जाएगा आपका आंसर इसका शूटिंग हो जाएगा, ठीक है, शूटिंग से है। 129 में है, रिसेंटली हुआ जी असाइंड द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये स्मृति ईरानी जी को मिला है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 28 में देखते हैं, 129 130, ठीक है, हु वाज द कैंडिडेट ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस मीन्स यूपीए इन 15th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है, कौन थे इलेक्शन में मीन्स की प्रेसिडेंटियल इलेक्शन में, ये थे काफ़ी न्यूज में थे ये भी, यशवंत सिन्हा जी थे जो अपोजिशन से आए थे, खड़ा हुए थे, ठीक है। हु हैज रिसीव द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द नॉवल टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है, रे समाधि, ये था गीतांजलि श्री जी को मिला था, ठीक है। 132 में हु हैज बीन अवार्डेड द दादा साहब फाल्के टेलीविजन अवार्ड इन 2022 फ्रॉम बिहार, ये इनमें मिला है दीप श्रेष्ठ को मिला है, ठीक है, दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन 2022 में दीप श्रेष्ठ को मिला बिहार के, ये 133 में आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2021-22 व्हाट इज द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन द स्टेट प्रेजेंट, ठीक है, ये जो अभी बढ़ के हुआ है 15.3 हुआ है परसेंट हुआ है, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 133 का, 132, हाँ दीप सरेश, ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 134 पर, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खाकी इन बिहार, ये हो जाएगा मनोज तिवारी, खूब अभी नया बनाया गया है। नेक्स्ट है 135 में है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द वर्ल्ड टॉलेस्ट 251 स्टैच्यू ऑफ मदर सीता विल बी कंस्ट्रक्टेड, ये हो जाएगा सीतामढ़ी में है, बन रहा है। उसके बाद 136 में देखते हैं, 36 में गवर्नर ऑफ बिहार है फागू चौहान, इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है गवर्नर ऑफ बिहार, तो ये हो जाएगा ए का हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ए का फोर किसमें किसमें दोनों में, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ बिहार कौन, मिस्टर संजय करोल जी हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार श्री नीतीश कुमार जी हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार कौन है, HR श्रीनिवास जी हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का फोर है एंड बी का थ्री है, ए का फोर एंड बी का थ्री, दो ही मैच है, ठीक है, ए का फोर एंड बी का थ्री, दो मैच है, ऑप्शन बी बी हो जाएगा इसका, सी का फर्स्ट है एंड ओके बी का हो जाएगा इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर। 137 है ऑपरेशन प्रहार इन बिहार रिलेटेड टू, तो यह लिक्योर बैन के लिए किया गया था ऑपरेशन प्रहार, स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है ऋतिक आनंद फ्रॉम बिहार हैज बॉन विच मेडल फॉर इंडिया 24th समर डी फॉर बैडमिंटन ओलंपिक हेल्ड इन ब्राजील, इसमें मिला था इनको गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एट विच प्लेस इन बिहार नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन हैज बीन रिसेंटली ओपन, ठीक है, एट विच प्लेस इन बिहार नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन हैज बीन रिसेंटली ओपन, ये हो जाएगा भागलपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, डी हो जाएगा इसका। 140 हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इन बिहार स्टार्टेड द वल्चर कंजर्वेशन प्लान, ठीक है, तो ये जो वल्चर कंजर्वेशन प्लान अभी सबसे ज़्यादा दिखा था वो था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 141 में है सुनंदिनी प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, ठीक है, तो ये था आंगनबाड़ी वर्कर्स को एजुकेट कर एजुकेशन देने के लिए था, रिलेटेड था उससे, ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 142 देखते हैं, 142 में क्या है, विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबेवा शॉट डेड ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन इन जुलाई 22, ये काफ़ी अभी न्यूज में था, ये भी, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, इनको शॉट डेड कर दिया गया था, ठीक है। द यूएन जनरल असेंबली हैज अडॉप्टेड एज इंडिया स्पॉन्सर्ड रिजोल्यूशन ऑन मल्टी लिंग्वेजम विच लैंग्वेज इज मैंशनड इन द फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये इसमें हिंदी को किया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हु प्रिसाइडेड द एन इमरजेंसी सेशन ऑफ द जनरल असेंबली टू डिस्कस रशियाज मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन, ठीक है, तो इसमें जो अब्दुल्ला शाहिद किए थे, ठीक है, ये सेशन किए थे रशिया का, रशिया मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन का, तो 145th में है इंडिया इवैक्यूएटेड पीपल एज पार्ट ऑफ विच मिशन टू ब्रिंग इंडियन फ्रॉम द वार हिट यूक्रेन इन फेब्रवरी 2022, ये था ऑपरेशन गंगा, 145 में था ऑपरेशन गंगा था इसका। 146 हो जाएगा रिसेंटली चाइना हैज़ क्लेम राइट
over territories around the Sacting Wildlife Sanctuary, claiming it as a disputed region. This wildlife sanctuary is located in the इसका जो साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपका है 146 भूटान का इसमें था, ठीक है, भूटान था ये। उसके बाद फिर आपका है 147th है, विच इंडियन स्टेट यूटी हैज़ बीन चूजन टू होस्ट द G20 समिट इन 2023, ठीक है, चूजन टू होस्ट द G20 समिट, ये था JNK था, जम्मू एंड कश्मीर था, ठीक है, 147 का जम्मू एंड कश्मीर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद ये फिर है, विच रिफरेंस टू UN पीस कीपिंग ऑपरेशन कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है, तो UN पीस कीपर कैन 140 का 48 है ना, 148, विच रिफरेंस टू UN पीस कीपिंग कंसिडर द फॉलोइंग, इसका मुझे ध्यान नहीं है क्या था आंसर इसका, फिर इसको थोड़ा सा मैं छोड़ रहा हूँ अभी, इसको देख लीजिए या मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा इसका, ठीक है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ अभी। उसके बाद फिर नेक्स्ट है यह है 149 है, ठीक है, 149 है क्वेश्चन नंबर, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA विद UAE, ठीक है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, तो ये इजराइल किया है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका है विच कंट्री, लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट सेटेलाइट आर्कटिका एम टू मोनिटर द क्लाइमेट ऑफ द आर्कटिक, तो ये हो जाएगा रशिया हो जाएगा इसका, ठीक, आर्कटिका एम टू मोनिटर द क्लाइमेट ऑफ द आर्कटिक, ये हो जाएगा रशिया का, ठीक है, 150 का रशिया, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप इस क्वेश्चन का जो PDF होगा उसे आप लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा टेलीग्राम चैनल का, एनालिटिक्स इजीली करके चैनल है, उसमें आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पर इसका जो PDF भी ले सकते हैं, और अगर कुछ आपको क्वेश्चन लगे ऐसा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो कुछ चैलेंजिंग लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो भी कर सकते हैं एनालिटिक्स इजीली करके, ठीक है, और इसका जो साइंस वाला पार्ट है दूसरे वीडियो में है, वहाँ पे आप देख सकते हैं जा करके सेक्शन में, वहाँ पे प्लेलिस्ट में होगा। सो थैंक यू।